अध्याय 7 सर्वनाम प्रनाउन पढ़िए और समझिए, नीचे गए चित्र देखिए और उनके नीचे लिखे वाक्य पढ़िए। नेहा नेहा की मम्मी के साथ मॉल घूमने गई। मॉल में नेहा नेहा की मम्मी की उंगली पकड़े है। मॉल में खिलौने कपड़े पुस्तकें जूती आदि की दुकानें सजी हैं। नेहा को नेहा की मम्मी ने जूते दिलवाए। नेहा की मम्मी ने नेहा के लिए किताबें खरीदी। अब इसे पढ़िए। नेहा अपनी मम्मी के साथ मॉल घूमने गई है। मॉल में वह अपनी मम्मी की उंगली पकड़े है। वहाँ खिलौने कपड़े पुस्तकें जूते आदि की दुकानें सजी हैं। उसको उसकी मम्मी ने जूते दिलवाए, उसके लिए उन्होंने किताबें खरीदी। आपने देखा कि यहाँ नेहा और नेहा की मम्मी के लिए वह अपनी उसको उसकी उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया गया है। इससे भाषा सुंदर बन जाती है। ये सभी शब्द संज्ञा के बदले उसके स्थान पर प्रयोग किए गए हैं। अतः हम यह कह सकते हैं कि संज्ञा के बदले बोले जाने वाले या संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले सभी शब्द समूह सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के नाम। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, 2 निश्चयवाचक सर्वनाम, 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, 4 संबंधवाचक सर्वनाम, 5 प्रश्नवाचक सर्वनाम, 6 निजवाचक सर्वनाम। 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले सुनने वाले और जिसके विषय में कहा जाए उसके प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। क उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला या लिखने वाला अपने लिए करता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं, जैसे मैं, हम, मुझे, हमने, हमें आदि। ख मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे तुम्हें, तुम, आप लोग, तू आदि। ग अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, ऐसे सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता या श्रोता द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे वह, वे, उन्होंने आदि। 2 निश्चयवाचक सर्वनाम, ऐसे सर्वनाम शब्द दूर या पास के व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं और घटनाओं का निश्चित बोध कराते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं, जैसे वह मेरा घर है, यह बोतल तुम्हारी है। इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऐसे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की जानकारी नहीं मिलती है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे बाहर कोई आवाज लगा रहा है, माताजी कुछ बना रही हैं। 4 संबंधवाचक सर्वनाम, ऐसे सर्वनाम शब्द जो वाक्य में प्रयुक्त किसी अन्य सर्वनाम के स्थान पर अपना संबंध बताते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे जैसा बोगे वैसा काटोगे। जो खेल दिखा रहा था वह चला गया, जिसने चोरी की वह पकड़ा गया। 5 प्रश्नवाचक सर्वनाम, ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी आदि के बारे में प्रश्न का बोध करवाते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कक्षा में किसे पुरस्कार मिला, आज घर में कौन आया था, किसने चोरी की है। 6 निजवाचक सर्वनाम, ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोगकर्ता के साथ अपनापन जताने के लिए किया जाता है उसे निजवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं, जैसे मैं स्वयं गाड़ी चलाऊंगा, मैं अपना काम अपने आप कर लूंगा, वह खुद चला जाएगा। अब आइए सर्वनाम शब्दों की रूप रचना के बारे में जानें। मैं उत्तम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम, कारक एकवचन बहुवचन, कर्ता मैं, मैंने, हम, हमने, हम लोगों ने, कर्म मुझे, मुझको, हमें, हमको, हम लोगों को, करण मुझसे, मेरे द्वारा, हमसे, हमारे द्वारा, हम लोगों से, संप्रदान मुझे, मुझको, मेरे लिए, हमको, हमारे लिए, हमें, अपादान मुझसे, हमसे, हम लोगों से, संबंध मेरा, मेरी, मेरे, हमारा, हमारे, हमारी, अधिकरण मुझ में, मुझ पर, हम में, हम पर, तू मध्यम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम, कारक एकवचन बहुवचन, कर्ता तूने, तू, तुम, हम लोग, तुमने, कर्म तुझे, तुझको, तुमको, तुम्हें, तुम लोगों को, करण तुझसे, तेरे द्वारा, तुमसे, तुम्हारे द्वारा, तुम लोगों के द्वारा, संप्रदान तुझे, तेरे लिए, तुम्हें, तुम्हारे लिए, तुम लोगों के लिए, अपादान तुमसे, तुमसे, तुम लोगों से, संबंध तेरा, तेरी, तेरा, तुम्हारे, तुम्हारे, तुम्हारी, अधिकरण तुझ में, तुझ पर, तुम में, तुम पर,
वह अन्य पुरुष, पुरुषवाचक सर्वनाम, कारक एक वचन बहुवचन, कर्ता वह उसने, उन्होंने, वे लोगों, उन लोगों ने, कर्म उसे, उसको, उन्हें, उनको, उन लोगों को, करण उससे, उसके द्वारा, उनसे, उनके द्वारा, उन लोगों के द्वारा, संप्रदान उसे, उसके लिए, उन्हें, उनके लिए, अपादान उससे, उनसे, उन लोगों से, संबंध उसका, उसके, उसकी, उनका, उनके, उनकी, उन लोगों की, का, के, अधिकरण उसमें, उस पर, उन पर, उनमें, उन लोगों में, उन लोगों पर। यह निश्चयवाचक सर्वनाम, कारक एक वचन बहुवचन, कर्ता यह, इसने, ये, इन्होंने, इन लोगों ने, कर्म इसको, इन्हें, इनको, इन लोगों को, करण इससे, इसके द्वारा, इनसे, इनके द्वारा, इन लोगों से, संप्रदान इसको, इसके लिए, इन्हें, इनके लिए, इन लोगों के लिए, अपादान इससे, इनसे, इन लोगों से, संबंध इसका, इसके, इसकी, इनका, इनकी, इनके, इन लोगों का, की, के, अधिकरण इसमें, इस पर, इनमें, इन पर, इन लोगों में, इन लोगों पर। कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कारक एक वचन बहुवचन, कर्ता कोई, किसी, किन्ही ने, कर्म किसी को, किन्ही को, करण किसी से, किसी के द्वारा, किन्ही से, किन्ही के द्वारा, संप्रदान किसी को, किसी के लिए, किन्ही को, किन्ही के लिए, अपादान किसी से, किन्ही से, संबंध किसी का, किसी के, किसी की, किन्ही का, किन्ही के, किन्ही की, अधिकरण किसी में, किसी पर, किन्ही में, किन्ही पर। कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम, कारक एक वचन बहुवचन, कर्ता कौन, किसने, किन्होंने, किन लोगों ने, कर्म किसे, किसको, किन्हें, किन्हको, किन लोगों को, करण किससे, किसके द्वारा, किनके, किनके द्वारा, किन लोगों से, संप्रदान किसको, किसके लिए, किनको, किनके लिए, किन लोगों के लिए, अपादान किससे, किनसे, किन लोगों से, संबंध किसका, किसके, किसकी, किनका, किनके, किनके, किन लोगों का, के, की, अधिकरण किसमें, किस पर, किनमें, किन पर, किन लोगों में, किन लोगों पर। अध्यापन संकेत, शिक्षक शिक्षिका बच्चों को सर्वनाम तथा उसके भेदों के बारे में बताएं तथा उन्हें उचित रूप से अनुवादित कर उदाहरणों के साथ समझाएं। आइए पुनरावृत्ति करें। संज्ञा के बदले जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। सर्वनाम के भेद, पुरुषवाचक, मैं, तुम, वह, वे। निश्चयवाचक, वह, यह, वो। अनिश्चयवाचक, कोई, कुछ। संबंधवाचक, जो, सो, जिसने, उसने। प्रश्नवाचक, किसने, किसे, कौन। निजवाचक, खुद, स्वयं, स्वतः, अपने आप। अभ्यास कार्य, मौखिक कार्य, स्पीकिंग स्किल्स, दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। क, सर्वनाम से आप क्या समझते हैं बताइए। संज्ञा के बदले बोले जाने वाले या संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले सभी शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ख, सर्वनाम के प्रकार बताइए। सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। ग, प्रश्नवाचक सर्वनाम को परिभाषित कीजिए। ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी आदि के बारे में प्रश्न का बोध कराते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। लेखन कार्य, राइटिंग स्किल्स। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, सर्वनाम किसे कहते हैं। संज्ञा के बदले बोले जाने वाले या संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले सभी शब्द समूह सर्वनाम कहलाते हैं। ख, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। ग, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। प्रश्न 2, दिए गए वाक्यों में सर्वनाम शब्दों को रेखांकित करके भेद का नाम लिखिए। जो जैसा करेगा वह वैसा फल भरेगा। जो, वह, पुरुषवाचक सर्वनाम, जैसा, वैसा। संबंधवाचक सर्वनाम। ख, देखो दरवाजे पर कोई आया है, कोई। प्रश्नवाचक सर्वनाम। ग, बिल्ली रोटी लेकर अपने आप चली गई, अपने आप। निजवाचक सर्वनाम।
घा मेरा बस्ता किसने उधर रख दिया, किसने, प्रश्नवाचक सर्वनाम, ड, ये कार मेरी है, मेरी, प्रश्नवाचक सर्वनाम, च, दाल में कुछ मिलावट की गई है, कुछ, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, छ, जिसने पढ़ाई की वही पास हुआ, जिसने, वही, पुरुषवाचक सर्वनाम। प्रश्न 3, सही सर्वनाम शब्दों के साथ रेखा खींचकर मिलाइए, तुम, तुम्हें, आप, मध्यम पुरुषवाचक, जैसा वैसा संबंधवाचक, कोई कुछ अनिश्चयवाचक, मैं मैंने हम पुरुषवाचक, यह वह निश्चयवाचक, खुद स्वतः निजवाचक, किसने किसे कौन प्रश्नवाचक। प्रश्न 4, निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन सर्वनाम शब्दों के उचित भेद चुनिए, क, यह नंदन का घर है, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक, उत्तर निश्चयवाचक, घ, दूध में कुछ गिर गया है, निश्चयवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, अनिश्चयवाचक, उत्तर अनिश्चयवाचक, ग, कान्हा कहाँ खेलने गया है, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, उत्तर प्रश्नवाचक, घ, मैं स्वयं चलकर आया हूँ, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक, उत्तर निजवाचक, सोचे विचारे, क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न 5, ऐसे सर्वनाम शब्द जो पास या दूर की घटनाओं का बोध कराने वाले शब्द को अनिश्चय सर्वनाम कहते हैं, तो जरा सोचिए, यदि निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं होते, हम अपनी बात या वस्तु की सत्यता कैसे बताते। खेल खेल में, ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। प्रश्न 6, कक्षा में सर्वनाम शब्दों की शब्दाक्षरी का खेल खिलवाएं। प्रेरणादायक मूल्य, जैसे सर्वनाम शब्दों के माध्यम से संज्ञा शब्दों की पहचान होती है, वैसे ही इंसान की पहचान भी उसके किसी खास गुण से होती है जो उसके व्यक्तित्व को निखारता है।